गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मैं हूं कृष्णेंदु मंडल और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के फिर एक और नए टॉपिक के साथ मेरे यूट्यूब चैनल मंडल सर्स कॉमर्स क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप सामने स्क्रीन में देख ही पा रहे हैं, टॉपिक है आज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले, जैसे कि हम हमेशा एक एजुकेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं, तो आज का थॉट है कावर्ड Tired and stop, but the winner does not stop until they win. और अगर हिंदी में कहें तो डरपोक तब रुक जाता है जब वह थक जाता है, लेकिन विजेता तब तक नहीं रुकता जब तक वो जीत नहीं जाता है। तो इस मोटिवेशनल थॉट से हमें जो पता चल रहा है ये कि हमें तब तक रुकना नहीं है जब तक हम सक्सेस को ना पा लें, हम हमारे टारगेट को अचीव ना कर लें। हमारा जो टारगेट है अभी वो है कि 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होंगी, उस बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ हमें क्लियर करना है। और उसके लिए आप अभी थक के अगर बैठ जाओगे, ये सोचोगे कि अभी स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हैं और इस कंडीशन में हमें जो है कोई भी अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल कॉलेज खुलेगा तो हम पढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। बिकॉज स्कूल कॉलेजेस जब स्टार्ट होंगी तब तो कोर्स और ज़्यादा फास्ट चलेगा, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी करके ही शुरुआत करनी होगी ताकि हम 2021 के बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो इसी को सोचते हुए चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हम लोग गुडविल के बारे में, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पहले वीडियोस में मैं अभी तक जो है टोटल 7 वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड पोस्ट कर चुका हूँ, जिसमें आपको अभी तक एग्जिस्टिंग रेशियो क्या होता है, देन उसके बाद सेक्रीफाइजिंग रेशियो, गुडविल्स क्या होती हैं, गुडविल कितने टाइप की होती हैं, गुडविल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फैक्टर्स, ये सारे चीज़ मैंने पढ़ा दिया। देन उसके बाद मैंने गुडविल के वैल्यूएशन मेथड्स बताए हैं। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप जिस तरीके से मेरे पिछले वीडियोस को ध्यान दिए हैं तो इस वीडियो को भी बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और बेनिफिट लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। आज की टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो गुडविल का जो ट्रीटमेंट करेंगे वो ट्रीटमेंट हम लोग दो अलग अलग तरीके से सीखेंगे। पहला, हमको क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिया हुआ रहता है। ओल्ड गुडविल मतलब जो एग्रीमेंट चेंज होने से पहले जो गुडविल चल रहा था वो दिया हुआ रहता है, तो ओल्ड गुडविल का दूसरा नाम होता है एग्जिस्टिंग गुडविल। और दूसरा, हमको न्यू गुडविल दिया रहेगा। न्यू गुडविल मतलब एग्रीमेंट चेंज होने के बाद अब गुडविल क्या होगा। तो न्यू गुडविल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो न्यू गुडविल भी आपका क्या होता है कि उसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड गुडविल भी। मतलब न्यू गुडविल को कैलकुलेटेड गुडविल भी कहा जाता है। तो आज जो हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये जो कैलकुलेटेड गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल है, इन दोनों का ट्रीटमेंट सीखेंगे। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि कैलकुलेटेड गुडविल को दो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है कैलकुलेटेड गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेटेड गुडविल को या तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, या दूसरे टर्म में हम दूसरा मेथड अगर हम जाएं तो वो ये कि बाय ओपनिंग और रेज्ड द गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को रेज करके या ओपन करके हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो आज के जो टॉपिक है, आज का जो मेरा सेशन है, इस सेशन में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, दोनों ही टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, लेकिन पहले जो मैं कवर करूँगा वो होगा एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल। मतलब जब गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट किया जाता है तब कैसे काम किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले, when goodwill already appears in the book of account, मतलब जब कभी भी आपके accounting books में पुराने रेशियो के साथ पुराना गुडविल दिया हुआ है तो उसे कहते हैं ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल का दूसरा नाम होता है एग्जिस्टिंग गुडविल। तो अगर कभी भी आपको बुक ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल दिया हुआ रहा
तो तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो देखिए, ये है जर्नल एंट्री का प्रोफॉर्मा, ऑल स्लैश ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट। अब आप बोलेंगे, सर ये ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट क्या है? तो आपने फंडामेंटल्स पढ़ा होगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल्स में आपको पढ़ाया गया था, दैट इज देयर इज टू टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। दो तरीके के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट वन इज दैट द फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकेंड इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अंडर फिक्स्ड कैपिटल, व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग द फिक्स्ड कैपिटल, द कैपिटल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द सेकेंड पार्ट इज नोन एज द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। वेयर एज व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, देन द अकाउंट, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नॉट इन द टू पार्ट, इट गेट मर्ज्ड एंड इट बिकम्स इन वन पार्ट ओनली, दैट नेम्ड एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन ड्यूरिंग द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट देयर इज नो करेंट अकाउंट इज ओपन, बट व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड, when the capital is fixed, we are maintaining two accounts, that is the partner's capital account and partner's current account. And in this journal entry, it is given in form of both the conditions. Is journal entry mein dono condition mein aapko samjhaya gaya that if partner's capital account is given or if nothing is mentioned in the question that either the capital is fixed or fluctuating, then we will assume that the capital is fluctuating. But if in the question some specific word like fixed capital is given in the question, then we will use current account. उस वक्त हम लोग current account को use करेंगे, capital account word वहां पे नहीं लिखना है। तो जब भी book of accounts में पुरानी goodwill दी हुई रहेगी, तो उस condition में आपको ये ध्यान रखना है कि old partners या business में जितने partners होंगे, सभी partner के capital account को हम debit करेंगे, जबकि टू गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब आपके दिमाग में चलेगा कि सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाई इट इज सो दैट ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेट डेबिटेड एंड गुडविल अकाउंट गेट क्रेडिटेड। बिकॉज व्हेनेवर द एग्रीमेंट चेंज एट दैट टाइम द ओल्ड गुडविल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। So if the partners get their share of old goodwill, they will withdraw all those part of the goodwill. Means जब भी partner पुराना goodwill दिया हुआ रहता है book of accounts में, तो उस condition में partners को क्या किया जाता है, पुराना goodwill को पहले बांट दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा पुराना goodwill है, ये तुम रख लो। रख लो बोल के तो क्या होता है, पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, उनका जो भी ओल्ड रेशियो होता है, उस ओल्ड रेशियो में दे दिया जाता है और पार्टनर उस पैसे को बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं। और जब कभी भी बिजनेस से उस पैसे को वो विड्रॉ करेंगे, तो उस कंडीशन में सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट अगर कर दिया जा रहा है, मतलब पार्टनर्स का पेमेंट हो रहा है, कहां से हो रहा है, गुडविल अकाउंट के नाम से हो रहा है। और इसी गुडविल अकाउंट को हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी कहते हैं। तो इसके लिए नरेशन क्या होगा, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल इन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के वजह से जो गुडविल में चेंज आया है, उसको हमने एडजस्ट करने के लिए ये जर्नल एंट्री हमने पास किया। आई थिंक आप सभी को ये एंट्री समझ में आ गया होगा। ये एंट्री हमेशा कॉमन रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पुराना गुडविल क्वेश्चन में दिया रहेगा, व्हेनेवर द ओल्ड गुडविल इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, दिस एंट्री मस्ट बी एज सेम। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारा अगला टॉपिक। मतलब ये तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, अब हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस न्यू और कैलकुलेटेड गुडविल अंडर वेरियस कंडीशन। अलग अलग कंडीशंस में हम अब देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। और कैलकुलेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारा ये जो गुडविल है, गुडविल का ट्रीटमेंट जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसे
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 AS 26 में मेंशन किया गया है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर कभी भी आपका परचेस्ड गुडविल होगा बिजनेस में, तभी उन गुडविल की ट्रीटमेंट इस तरह से जर्नल एंट्री से आपको करना है। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में या कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल मेंशन रहा या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बताया, तो याद रखिएगा उसके लिए कोई अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, बिकॉज AS 26 में साफ तौर पर लिख दिया दैट Only the entry for purchased goodwill will be showed in the book of accounts, neither the self-generated goodwill. Self-generated goodwill को कभी भी book of accounts में show नहीं किया जाएगा। तो अब जो हम चालू करने जा रहे हैं कैलकुलेटेड गुडविल का टॉपिक, मैंने अभी टॉपिक शुरू होने से पहले बताया था कि ये दो टाइप से हम लोग इसकी एंट्री करते हैं, पहला एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो करते हैं दैट इज बाय रेजिंग और ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। तो पहले हम लोग एडजस्टेड का मेथड पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। When new goodwill or calculated goodwill is given in the question, जब कभी भी question में new goodwill या calculated goodwill के बारे में कुछ भी information दिया रहा question में, तब journal entry कैसे होगा? तो लीजिए ये journal entry का proforma बन गया। तो उस वक्त gaining partner's capital or current account must be debited or sacrificing partner's capital and current account will be credited। अब क्वेश्चन ये आता है कि गेनिंग पार्टनर क्यों डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्यों क्रेडिट होगा। तो इसके बारे में मैंने आपको जब गुडविल का टॉपिक शुरुआत करवाई थी थ्योरी पढ़ाने के समय, उस वक्त भी मैंने ये चीज को समझाया था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैपिटल दे आर हैविंग, दैट इज द फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ये डेबिट क्यों होता है? बिकॉज गेनिंग पार्टनर को शेयर में बढ़ा हुआ चीज मिल रहा है। मींस जब कभी भी एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, पहले भी तीन पार्टनर थे, अभी भी तीन पार्टनर हैं, लेकिन पहले जो रेशियो था, पहले के रेशियो से अभी का रेशियो चेंज हुआ, तो चेंज होने के वजह से जाहिर सी बात है किसी पार्टनर को गेन होगा तो किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा। देन द गेनिंग पार्टनर जो होगा, मतलब जो फायदा जिस पार्टनर को होगा, जिसका शेयर बढ़ेगा, वो पार्टनर क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैसा देगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। बिकॉज जब तक कोई पार्टनर अपना हिस्सा कम नहीं करेगा, तब तक दूसरे पार्टनर का हिस्सा बढ़ेगा कैसे? अगर कोई पार्टनर अपना हिस्सा कम किया, तभी हम ये मानेंगे कि हाँ, अगर पार्टनर ने अपना हिस्सा कम कर लिया, दैट मींस उसने सैक्रिफाइस किया, तो उसके बदले में उसको हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, हमें उसको मुआवजा देना पड़ेगा। तो इस वजह से गेनिंग पार्टनर क्या करता है, जितना हिस्सा उसको ज्यादा मिलता है, तो वो ये मानता है कि वो हिस्सा उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से मिला है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो उसके लिए कंपनसेट करता है। तो कंपनसेट अगर करेगा तो गेनिंग पार्टनर का खर्चा हो जाता है, तो इसलिए उसको हम डेबिट कर देते हैं, जबकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसके सैक्रिफाइस के वजह से पैसा मिलता है, मतलब उसके लिए इनकम होता है, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह से न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद फिर नीचे में नरेशन, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सेम जो आपका नरेशन है ये यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा। आई थिंक आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आई होगी। अगर ओल्ड गुडविल दिया है तो ओल्ड गुडविल के लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और अगर न्यू कैलकुलेटेड गुडविल दिया है तो अगर हम लोग उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दीजिए और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए। और अभी मैंने आपको समझा दिया था कैपिटल और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। कैपिटल अकाउंट वर्ड तब लगेगा जब क्वेश्चन में आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज कर दिया, तो वहां कैपिटल के जगह गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट ये लगेगा। तो दोनों चीज को क्लियर करने के लिए मैंने वहां पे स्लैश डाल के उसको शो किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, हम हर एक कंडीशन पढ़ते जाएंगे और उन कंडीशन से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो देखते हैं, हमारे सामने जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:2।
ए बी और सी जो है ये अपने प्रॉफिट और लॉसेस को जो बांट रहे हैं उनका रेशियो है 1:2:2। दे नाउ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारे फ्यूचर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इक्वली बांटेंगे। मतलब पहले रेशियो था 1:2:2, लेकिन अब इनका कहना है प्रॉफिट लॉस को हम बराबर बराबर बांटेंगे। और वो इफेक्ट कब से होगा, मतलब ये बराबर बांटने वाला जो सिलसिला है ये शुरू कब से होगा, 1 January 2014 से होगा। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2,70,000। फर्म की जो गुडविल है दैट इज ₹2,70,000। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये ₹2,70,000 जो भी दिया गया है ये हम क्या माने, ये हमारा हम न्यू गुडविल माने कि हमारा ओल्ड गुडविल माने। तो बेटा यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, वैल्यूड मतलब कैलकुलेट किया गया। जब फर्म की गुडविल कैलकुलेट की गई तो पता चला कि फर्म की जो टोटल गुडविल अभी है दैट इज द 2,70,000। तो ये कैलकुलेटेड गुडविल है, मतलब ये न्यू गुडविल है। तो बोल रहा है शो द वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केसेस। अब बोल रहा है कि अलग अलग केस में आप गुडविल के ट्रीटमेंट दिखाइए। तो पहला केस वन, when there is no goodwill in the books of firm। देखिए यहां कंडीशन क्या बोल रहा है, जब ओल्ड गुडविल ना दिया हो। बात को समझिए, जब क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो और खाली कैलकुलेटेड गुडविल दिया हो। तो कैलकुलेटेड गुडविल दिया है, ओल्ड गुडविल नहीं दिया है, तब क्या ट्रीटमेंट होगा? तो जब कभी भी इस टाइप का बात आता है और हम लोग एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं तो हमें सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का पता करना पड़ता है कि आखिर कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर ऐसा है जिसको गेन हो रहा है। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और याद कीजिए मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का जब टॉपिक पढ़ाया था तो आपको समझाया था कि फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये देखिए मेरे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, मैंने दोनों चीज को यहाँ लिख दिया है। ओल्ड रेशियो 1:2:2, न्यू रेशियो तीन पार्टनर है तो 1:1:1, चार पार्टनर होते तो 1:1:1, पांच पार्टनर होते तो 5 बार 1 को लिखते और बीच में रेशियो का साइन लगा देते। तो याद रखिएगा इक्वल कभी भी बोलेगा तो इस तरीके से 1 के साथ आपको लिखना है। ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है, और यहाँ पे जो है ना तो कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, खाली एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस कंडीशन में अब हम शुरू करते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ये देखिए एक साथ मैंने सारे कैलकुलेशन दिखा दिए। पहले मैंने ए का निकाला, तो ए का ओल्ड रेशियो है 1/5 और न्यू रेशियो जो है ए का दैट इज 1/3। तो इसका मतलब है जब इसको सॉल्व किए तो -2/15 आया। फॉर्मूला मैंने सैक्रिफाइसिंग का लगाया लेकिन आंसर मेरा जो है माइनस में आया, दैट मींस ए को गेन हो रहा है, ए को फायदा हो रहा है। अब बी की अगर बात कर ले, बी का ओल्ड रेशियो जो है दैट इज 2/5 जबकि उसका न्यू रेशियो है 1/3। जब इसको सॉल्यूशन किए तब पता चला 1/15 सैक्रिफाइस हो रहा है बी को, मतलब बी के तरफ से बी को नुकसान हो रहा है, बी का हिस्सा 1/15 शेयर कम हो जा रहा है। और वही बात अगर सी की करे तो सी को भी 1/15 पार्ट सैक्रिफाइस हो रहा है। तो इस वजह से अब आपको पता चल गया गेन किसको हो रहा है, सैक्रिफाइस किसको हो रहा है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे कुछ लिखा है कि हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है? कुछ नहीं लिखा है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के समय हम जब जर्नल एंट्री लगाएंगे तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, इस तरह से वर्ड यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगा, ये हमारा प्रोफॉर्मा है। तो मैंने अभी जो प्रीवियस स्लाइड है, प्रीवियस स्लाइड में समझाया था कि कभी भी कैलकुलेटेड गुडविल को या न्यू गुडविल को अगर आपको शो करना है बुक ऑफ अकाउंट्स में तो उसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है, और वो ये कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो। तो मेरा गेनिंग पार्टनर ए है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। टू बीज कैपिटल अकाउंट,
टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गए और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो गए। अब मुझे अमाउंट लिखना था, तो देखिए मैंने हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक एंट्री के सामने में मैंने एक वर्किंग नोट डाल दिया। वर्किंग नोट डालने से क्या हो जाता है कि वैल्यूअर को कभी डाउट नहीं होगा कि आपने इसका कैलकुलेशन किया तो कैसे किया। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड में, और 3 नंबर के ये क्वेश्चन में बच्चा बना तो लेता है सभी, लेकिन बाद में पता चल रहा है कहीं पे वर्किंग नोट, कहीं या तो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन नहीं दिखा है, नहीं तो सामने में कहीं पे ये जो एज कैपिटल अकाउंट के सामने 36,000 आया, लिख तो दिए लेकिन कैलकुलेशन नहीं दिखा है। तब वेल्वर क्वेश्चन करता है कि ये आया तो कहाँ से आया। तो इस वजह से मैंने आपको जो पॉसिबिलिटीज है, मैक्सिमम जितना चीज दिखाना है सारे चीज मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दिए, ताकि आप समझ जाओ कि आप किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये निकला। देन इसके बाद यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आए तो गड़बड़ बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा केस 2। केस 2 शुरू करें तो केस 2 में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:2। एबीसी अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को 1:2:2 में बांट रहे हैं, मतलब वही पुराना क्वेश्चन। उन्होंने अब डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में फिर से इक्वली बांटेंगे, और गुडविल जो है वो हमारा कितना 2,70,000 है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुडविल हम फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट लॉस को इक्वल बांटेंगे। अब गुडविल जो है फर्म का कैलकुलेट किया गया 2,70,000 रुपए। अब बोल रहा है कि एक और केस 2 के हिसाब से इसको बनाइए। तो केस 2 क्या है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ₹2,10,000। जब ऑलरेडी गुडविल अपीयर है, अपीयर कहने का मतलब ओल्ड गुडविल, पुराना गुडविल पहले से बुक्स में पड़ा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, जो चीज मेरे को निकालना है मैंने उसको पहले से लिख के दे दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम है, इस क्वेश्चन में भी आएगा वो चीज, लेकिन जो नया चीज है उसको मैं यहां पे आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले पुराना गुडविल अगर कभी भी दिया है क्वेश्चन में, तो पुराने गुडविल को आप पहले सेट ऑफ कर दीजिए। तो पुराने गुडविल, ओल्ड गुडविल के लिए मैंने जर्नल एंट्री क्या बताया था, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो देखिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो गए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब अमाउंट कहां से आया, तो भाई ओल्ड गुडविल कितना है मेरे पास 2,10,000। अब ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो ओल्ड गुडविल अगर 2,10,000 है, तो अब उस गुडविल को हमने क्या कर दिया, यहां पे बांटा। तो बांटा कैसे, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था, 1:2:2, तो 1/5 × 2/5 × 2/5, ये तीनों में हमने कर दिया। तो इससे पता चल गया पुराने शेयर में, पुराने गुडविल में ए बी और सी का कितना कितना शेयर बनता है। देन इसके बाद नरेशन आ जाएगा, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में पुराने पार्टनर्स के बीच में ये गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद हमको कैलकुलेटेड गुडविल का काम करना है, कि आखिर हम कैलकुलेटेड गुडविल का क्या काम करेंगे। तो भाई कैलकुलेटेड गुडविल के लिए अभी हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, बताया था ना कैलकुलेटेड गुडविल 2 तरीके से बनाया जाता है। तो 2 तरीके से जो बनाया जाता है, पहला तरीका हमारा क्या होता है कैलकुलेटेड गुडविल का, वो ये कि हमारा जितना भी गेनिंग हो रहा है, जिस भी पार्टनर को गेन हो रहा है उसको डेबिट कर दें, और दूसरा जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दें। और ये कौन से मेथड के थ्रू चलता है, एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज ए को गेन हो रहा है, जबकि टू बीज कैपिटल अकाउंट बिकॉज बी को सैक्रिफाइस हो रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट बिकॉज सी को भी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो ये एज यूजुअल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, वैसे ही ये एंट्री आपका चलता रहेगा। देन इसके बाद बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट करने के बाद आपने देखा किस तरह से जर्नल एंट्री हमने किया। तो अब हम पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। आई थिंक इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम एक पॉइंट खाली जोड़े थे, दैट इज द ओल्ड गुडविल। अब हम केस 3 देखते हैं। फिर से क्वेश्चन वही है, सॉल्यूशन जो कॉमन रहेगा मैंने उसको पहले से लिख दिया।
अब केस थ्री क्या बोल रहा है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 2,45,000, मतलब इसमें भी वही है, पुराना गुडविल पिछले स्लाइड में 2,10,000 का था, इसके बाद अभी का जो स्लाइड है इसमें बढ़ा के उसको 2,45,000 कर दिया गया, तो अब बोल रहा है इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो अब आप खुद ही मेरे साथ बोल सकते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल को सेट ऑफ करेंगे। अगर ओल्ड गुडविल को सेट ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू गुडविल अकाउंट, देन इसके बाद मेरी नरेशन होगा बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हमने क्या कर दिया, पूरा पुराने गुडविल को बांट दिया। अब हमारा नया गुडविल है तो नया जो कैलकुलेटेड गुडविल है उसको एडजस्ट करने के लिए गेनिंग पार्टनर डेबिट एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद नरेशन आपका आ गया। तो देखा आपने बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं। अब कई लोगों के दिमाग में होगा कि सर ये डेट का जो कॉलम आप बना रहे हैं तो डेट में तो आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो क्या हमको बनाना जरूरी है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये जर्नल एंट्री का कंप्लीट प्रोफॉर्मा है, और प्रोफॉर्मा अगर आप पूरा नहीं करते हैं भले उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो लेकिन आपका नंबर कट सकता है, इसलिए चांस क्यों लेना, पूरा डेट का कॉलम बना के आप जैसे बनाते हैं वैसे। अगर क्वेश्चन में डेट दे दिया कि ये सारे एंट्रीज जो हैं ये हमको कब करना है तो हम वो डेट यूज करेंगे। और वैसे भी देखिए यहाँ पे बोला है 1st January 2014 से ये इफेक्ट में आएगा, तो ये इफेक्ट में आएगा 1st January 2014 से, तो हमको साल कब खत्म हो रहा है ये तो हमको बताया नहीं है, तो अगर बताता तो हम डेट क्यों यहाँ यूज करते। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम हमारे सेकेंड पार्ट में जाएंगे, और हमारा जो सेकेंड पार्ट है जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं, पहला तरीका है पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू और दूसरा तरीका है जब गुडविल अकाउंट को रेज करके करते हैं। अब ये गुडविल अकाउंट को रेज्ड करके जो काम करते हैं वो कैसे होगा, तो देखिए ए बी अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, ए और बी है जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2, ये ओल्ड रेशियो है। They now decide to share future profit and loss equally. उन्होंने decide किया 1 जनवरी 2014 से हम हमारा जो भी profit sharing ratio रखेंगे वो equal रहेगा। Firm का goodwill है, मतलब calculated goodwill 50,000 rupees. अब बोल रहा है कि goodwill का treatment दिखाओ when goodwill account is opened or raised. मतलब जब goodwill account open किया जाए। अब ये open या raised का मतलब समझाने के लिए मैं simple सी बात बता रहा हूँ। मान लीजिए पहले A को घर से pocket money मिलती थी 10 रुपए, और बी को घर से पॉकेट मनी मिलती थी, सपोज एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, 15 रुपए। दोनों मिला के एक को 10 मिलता था, दूसरे को 15 मिलता था, दोनों को मिला के 25 रुपए से वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करते थे। अब उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, अब उन्होंने बोला लेकिन जब भी हम इकट्ठा करेंगे जैसे 25 रुपीज, तो उसको हम क्या कर लेंगे, चेंज करेंगे, और चेंज करके उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि चेंज करके इस तरह से बांटेंगे कि मैं जो है उसमें से 15 रुपए का हिस्सा लूंगा, क्योंकि जो पैसा ज्यादा लगाएगा प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा ज्यादा मिलेगा, तो ए ने बोला कि मैं उसमें से 15 रुपए रखूंगा और 10 रुपए अब बी रखेगा। तो इसका मतलब बी जो है अपना 5 रुपए हिस्सा जो है वो ए को सैक्रिफाइस कर दिया और ए को बी से गेन हो गया। तो इस कंडीशन में पहला तरीका यह है इन दोनों के बीच का म्यूचुअल सेटलमेंट का कि बी ने क्या, बी को क्या हुआ, ए ने 5 रुपए दे दिया और अपना हिस्सा उसने रख लिया, दैट मींस एडजस्ट कर दिया, जो अभी तक हमने केस पढ़ा। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि भाई 25 रुपए है, तो पहले जो पुराना 25 रुपए है पूरा 25 रुपए इन दोनों को इनके दोनों हिस्से में बांट दिया जाएगा, देन उसके बाद इनका जो भी गुडविल बनेगा उस गुडविल के अकॉर्डिंग, मतलब जितना भी अमाउंट बनेगा उस अमाउंट के अकॉर्डिंग न्यू रेशियो में इनको इनका हिस्सा देना है। तो कैसे, देखिए सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला सभी को मालूम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पैसा मेरे पास है उस पैसे को पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो देखो गुडविल मेरे पास कितना है, 50,000 पड़ा हुआ है, इस पैसे को मैं क्या कर दूंगा, पार्टनर्स को दे दूंगा पहले। तो पार्टनर्स को अगर मैं दे दूंगा तो कौन से रेशियो में दूंगा, तो भाई ये जो भी है ये मेरा ओल्ड रेशियो जो है, क्योंकि ये मैं जो गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं यही मान रहा हूं कि सबसे पहले अगर गुडविल अकाउंट ओपन करने बोला गया है तो पहले हमको ये गुडविल जो है पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, उनका ओल्ड रेशियो जो है ओल्ड रेशियो में आपने पहले उनको उनका पैसा दे दिया।
अब क्या होगा, ये पार्टनर अपना गुडविल का पैसा जो है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बांट लेंगे, उनको हम डेबिट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब इनको इनका पैसा जो है हमने न्यू रेशियो में बांट दिया। ए का जो न्यू रेशियो है 1:2, बी का भी न्यू रेशियो 1:2, तो 50,000 रुपए का जो अमाउंट था उसको हमने दोनों हिस्से में इनको बांट दिया। बांट के अब नीचे नरेशन देख दिया कि बीइंग द गुडविल डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का मतलब है अगर कभी भी क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट को रेज्ड करने की बात करेगा तो पहले याद रखना जितना भी कैलकुलेटेड गुडविल होगा उस कैलकुलेटेड गुडविल को पहले पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना ओल्ड रेशियो में, फिर उसी गुडविल को पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर देना न्यू रेशियो में। जबकि अब आप बोलोगे सर अगर मान लीजिए ओल्ड गुडविल अपियरिंग रहा, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल दिया रहा, तो बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल में मैं पहले ही बोल चुका हूं उसमें कोई चेंज नहीं है, वही एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और वहां पे क्या हो जाएगा जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल रहेगा उसको ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे, वो उसमें सेम रहेगा, खाली जो चेंज है उस चेंज को मैंने यहां पे आपको शो कर दिया। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आपको जो है घर में प्रैक्टिस करनी है, और जहां पे नहीं समझ आएगा या फिर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं टैली करवा दूंगा। तो होमवर्क के जो ये क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आइए मैं जरा समझा दूं। PQRR पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, PQR पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में आर को 1/5 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। तो ऑन द डे ऑफ चेंज, जिस दिन चेंज होगा, फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख, उस दिन फर्म की गुडविल कितनी होगी 3 लाख रुपए की। तो मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री अंडर फॉलोइंग कंडीशन, तो फिर बोल रहा है इन कंडीशंस में पहला गुडविल अकाउंट ओपन होगा और दूसरे में एडजस्ट करके काम करना है, तो ये दो कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री होगी इसका आपको पूछा है। और सेकंड क्वेश्चन देख लें, ABC पार्टनर है जिनका रेशियो 7:3:2 है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 1 अप्रैल 2015 से उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारा रेशियो चेंज करेंगे और रेशियो हमारा होगा 8:4:3। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, गुडविल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2012, 2013, 2014 and 2015 वर रुपीज दिस, ये पिछले 4 साल की प्रॉफिट आपको दे दिया गया है। तो बोल रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, बोल रहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री बताइए और गुडविल को एडजस्ट करके बताइए कैपिटल अकाउंट में, अज्यूमिंग दैट द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, ये मान के कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। तो मैं जल्द ही अपना नेक्स्ट सेशन लेके आने जा रहा हूँ और वो जो टॉपिक है वो होगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये जो टॉपिक है मैं जल्द ही आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत बहुत अपना प्यार दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।